और अब बात सीबीएसई पर्चा लीक की। सीबीएसई के 12वीं के अर्थशास्त्र और 10वीं के गणित के पेपर की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। सीबीएसई की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सप्ताह के अंत से पहले नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पिछले दिनों ये दोनों पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुए थे और बड़ी खबर यह है कि दोबारा ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और आज नई डेट्स का ऐलान संभव है। सीबीएसई के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सप्ताह के अंत से पहले इन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान आज संभव है। सीबीएसई के दो पर्चे ऑनलाइन लीक हो गए थे, जिसके बाद सीबीएसई ने ऐलान किया कि ये परीक्षाएं दोबारा करवाई जाएंगी और दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान आज संभव है। देश भर के 28 लाख छात्र इसके चलते जबरदस्त तनाव में है। सीबीएसई का ये प्रेस रिलीज आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है, जिसमें यह बताया गया है कि तारीखों का ऐलान सप्ताह के अंत से पहले हो सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविकांत, यानी दोनों ही पेपर्स की डेटों का ऐलान आज हो जाएगा? देखिए, ये संभव है क्योंकि कल प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री के साथ सीबीएसई के जो बड़े अधिकारी हैं उन सब की 2 घंटे की मीटिंग हुई थी और सीबीएसई बोर्ड ने भी कहा था कि सप्ताह के अंत से पहले डेट की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार और इतवार फिर छुट्टी हो जाएगी और जो दबाव है वो सीबीएसई बोर्ड पे भी बहुत ज्यादा है और छात्र जो है वो बहुत ज्यादा अधीर हैं और उनकी जो समस्या है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने खासतौर पर ये कहा था कि जो छात्र हैं उनकी समस्या को सबसे पहले ध्यान में रखा जाए और 2 घंटे की लंबी बैठक चली थी जो आज, चूंकि आज के बाद छुट्टी हो जाएगी, इसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि आज डेट की घोषणा हो सकती है। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।